हरियाणा सरकार और सरपंचों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ई टेंडरिंग के साथ साथ मंत्री देवेंद्र बबली की बयानबाजी से सरपंच इन दिनों खासे नाराज हैं, जिसके विरोध में अब सरपंचों ने सरकार के खिलाफ पक्का मोर्चा लगा दिया है। अम्बाला में BDPO कार्यालय के बाहर सरपंचों ने धरना देकर सरकार की ई टेंडरिंग नीति और देवेंद्र बबली के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। BDO कार्यालय के बाहर जुटे सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार की ई टेंडरिंग नीति का विरोध जताया। सरपंचों और सरकार के बीच खिंची दरार अब लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ CM और देवेंद्र बबली के बयान की वजह से सरपंचों का पारा सातवें आसमान पर है, तो वहीं ई टेंडरिंग की वजह से सरपंच खुद को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है जी, कहां से? मेरा नाम तरसेम सिंह है जी, गांव उगाड़ा। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, अब तक मुझे कोई चार्ज नहीं मिला और साइन अपडेट नहीं हुए। जब भी मान लो यहाँ फोन करूँ सेक्रेटरी आज है नहीं यहाँ, मुझे कई बार यहाँ बुला लिया लेकिन सेक्रेटरी मुझे एक बार भी नहीं मिला। और आज सेक्रेटरी मान लिया आया था फ़ोन करके, बस दोबारा फ़ोन मिले ही मुझे, घर में आ रहा हूँ, आप यहाँ पहुँचो। क्या बोलते हैं अधिकारी जब बोलते बात? अधिकारी यही बोलते हैं आज हम है नहीं यहाँ, जितनी बार मुझे बुला लिया एक बार भी मुझे यहाँ मिले नहीं, और मैं ऐसे ही बैठ के ऐसे खड़े होकर चले जाता हूँ। तो चार्ज नहीं मिला, गाँव में समस्याएं आ रही होंगी? समस्याएं तो है जी, गाँव में सारी समस्याएं ऐसे ही पड़ी है, दो साल से पंचायत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ गाँव में। गाँव में नालियाँ ब्लॉक पड़ी है, क्या काम कैसे लगाएं? अपने पास कुछ है ही नहीं काम, तो जब लगाएंगे मान लीजिए जो दिहाड़ी वाले लगाने हैं उन्हें पेमेंट भी देनी है, अपने पास से पेमेंट कब तक देंगे जी हम? क्या नाम है? मेरा नाम दीपक नागपाल है, मैं कोर्ट कछुआ कलां से सरपंच हूँ। क्या मामला? ये हमारा मेन जो है ई टेंडरिंग को लेके है, जो सरकार ने हमें कहा है कि सबसे पहले तो देवेंद्र बबली जी कहते हैं कि हम चोर हैं, जब हमने काम ही नहीं किया, चोर तो हम तब बनेंगे जब हम काम करेंगे। आप हमें अजमाओ, जैसे वो कहते हैं कि आप अजमाओ, हमें पहले अजमाओ, आपने पीछे अजमाया, अपने चहेतों को अजमाया, आप हमें एक मौका दो, आप इसको ई टेंडरिंग को बंद करो, हमें मौका दो, अगर हमें आपको लगेगा कि सरपंच गलत है उसके बाद आप लागू कर देना। उसमें मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि ई टेंडरिंग ही रहेगी, ईमानदार सरपंचों को क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है बॉस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसका मतलब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सरपंच चोर हैं और अधिकारी सही हैं? इसमें क्या नुकसान देखते हैं? इसमें नुकसान ये है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने गांव की आपको बात बताऊंगा, क्योंकि जो मुद्दा होगा मेन है ना, जहां से अपने को जड़ पता लगेगी। मेरे गांव में चंद्रपुरी का जो पानी है वो सारा मेरे गांव में कोटकछुआ कला में एक पंप हाउस की बनाया है। अब उसमें मान के चलो आप उसको बनते हुए 4 साल हो गए और वो अब तक अधूरा पड़ा है। अब बारिश आई, मौसम आई, मैं आपको कहूँगा कि आप कोटकछुआ कला में जाके आओ, वहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं ना, और सबसे बड़ी बात है कि अनिल विज जी का एरिया है, माना जाता है कि हरियाणा के सबसे दबंग और ईमानदार वो हैं। जब उनके काबू में ये ठेकेदार नहीं आ रहे तो सरपंचों के काबू में कहाँ आ जाएंगे? अब तक अगर सरपंच के किसी गांव का अधूरा काम पड़ा होता, इस स्थिति में होता, अब तक तो हमारे कान मरोड़ लिए होते। दूसरी बात, मेरे गाँव में 7 वार्ड हैं, 7 के 7 में सर्वसम्मति हुई, सिर्फ सरपंची का चुनाव हुआ। ऐसे ही पूरे हरियाणा में बहुत से सरपंच जो है सर्वसम्मति से चुने, बहुत सी पंचायतों जो सर्वसम्मति से चुनी, इसका मतलब ईमानदारी तो है ना। सभी सरपंचों को आप चोर तो नहीं मान सकते, आपको सरपंचों को एक मौका देना चाहिए, उसके बाद आपको जमाना चाहिए। कलम आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है, अगर आपको लगता है हम गलत है तो बंद करो, उसमें कम से कम एक मुद्दा तो हो जाए। किसी को चोर कहने से पहले आप चोरी उस पर सिद्ध तो करो कि आप चोर, जब हमने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मेरा मानना है कि टेंडरिंग को रद्द करके हमें पावर देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम चोर हैं या हमसे काम नहीं हो पाता तो आप ई टेंडरिंग लागू कर देना। ये कौन सा कोई ये बात है कि आप कर नहीं सकते, आपका मेजोरिटी पूरी, आप दोबारा कर देना, कानून ले आना, एक बार हमें अजमाओ, इस ई टेंडरिंग को रद्द करो जी। हमारा सबसे मेन मुद्दा ये, मैंने पहले भी प्रार्थना करी आपके पत्रकार भाइयों से भी, आप यहाँ पे आए हो, सबसे पहले आप ये देखो कि इस ब्लॉक 1 में 103 गांव 102 पंचायतें आती हैं, यहाँ पे BDO साहब है ही नहीं, पंचायत अफसर नहीं है, और कुल 102 गांव में 8 सिर्फ पंचायत सेक्रेटरी हैं। अब उसके हिसाब से मान के चलो 12 से 13 पंचायतें एक पंचायत सेक्रेटरी को आती है। दूसरी बात, अभी कुछ सरपंच साथी हैं उनके बैंकों में साइन अपडेट नहीं हुए, कुछ पंचायतों को चार्ज नहीं मिला 3 महीनों में, अभी तक जिसको पंचायत नहीं, अभी तक चार्ज नहीं मिला, कुछ नहीं किया, साइन अपडेट नहीं हुए, BDO साहब आते नहीं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे एडिशनल चार्ज है नारायणगढ़, बराड़ा और अम्बाला। बराड़ा का मेरे को पता है, नारायणगढ़ का पता है, आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे पता करो हमारी, उससे करने से पहले आप अंदर एक बार, मैं चाहूँगा कैमरा घुमाओ, आप देखो कि कितने पंचायत सेक्रेटरी, कितने JE, क्या BDO साहब बैठे हैं, क्या पंचायत अफसर है, कौन है? तो सर यहाँ